जुलुक नॉर्थ बंगाल का बहुत ही प्यारा एक हिल स्टेशन है। ये सी लेवल से करीब करीब 9400 फीट ऊपर स्थित है। सच बोले तो बादलों का साथ चलना, बादलों के बीच रहने का अनुभूति कुछ अलग है। इधर का लोग, खाना पीना, नेचर, जो अपना एक अलग पहचान बनाएगा। इट्स ट्रू, इवन द वेदर इन द समर कीप्स यू वार्म एंड विंटर कीप्स यू हैप्पी एंड ब्राइट। ये ऐसा एक जगह है जहाँ पर लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो चलिए, देर की इस बात का है, जानी स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल डायरीज। मैं आपका होस्ट संदीप पानू। इस समय मैं मानखिम में है, जो ईस्ट सिक्किम में आता है। मेरे पीछे ये जगह देखकर आपको मन कर रहा है इधर आने का। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, ऑफबीट प्लेस जो धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहा है। इस समय मेरा 3 दिन का सफर है, जिसमें 1 दिन मैं मानखिम में और 2 दिन मैं जुलुक में स्टे करूंगा। मानखिम में स्टे करने का पहला रीजन ये है, इधर का जो व्यू पॉइंट है, इधर से बहुत ही अच्छा सीनरी दिखाई देता है। ये छोड़कर मेरे पीछे ही शिव मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे लोग आए हैं अभी इधर देखने के लिए। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। दार्जिलिंग में आ चुका है। कल सुबह 8:15 में ये इंजीनियर में पहुंच जाएंगे। तो पहले इंजीनियर में पहुंचते हैं, उसके बाद दोबारा आपके साथ मुलाकात करता हूँ। रात सफर करके उस समय मैं पहुंचा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में। अभी मैं बाहर जाऊंगा, उधर में मेरा गाड़ी बुकिंग है, तो चल कर देखते हैं वो आया कि नहीं। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का बाहर आया तो देख रहे हैं मेरा गाड़ी खड़ा है, पैकिंग वैकिंग हो गया। अभी नॉर्थ बंगाल का यात्रा मेरा स्टार्ट हो रहा है, चलिए। ट्रेन छोड़ के इधर आप प्लेन में भी आ सकते हैं। प्लेन में आने से आपको सिलीगुड़ी का नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा में उतरना पड़ेगा, जहाँ पे उतरने का बाद आप गाड़ी बुक करके ईस्ट सिक्किम घूम सकते हैं। सिलीगुड़ी से मानखिम जाने के रास्ता में मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए गौतम धाबा आया। ब्रेकफास्ट में मैं छोला भटूरे, मोमो और चाय लिया। तो मैं एक काम करता है, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं। ख़त्म करने के बाद दोबारा आपके साथ मुलाकात करूँगा। इधर जाते जाते मैं एक चीज़ नोटिस की, इधर बहुत सारे फार्मा का फेमस कंपनीज है, जैसे सिप्ला, जाइडस, जुवेंटस। तो आप भी बाहर से ये सब फैक्ट्री को देख सकते हैं।
अब जो इधर में टनल देख रहा हूँ ना, इधर में कुछ साल बाद रेल चालू हो जाएगा। बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। न्यूज में आया था जो सिक्किम में रेल चालू हो रहा है, तो ये तो बहुत एक्साइटिंग इवेंट है। तो जाते जाते मैं ये देखा, तो इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सिक्किम टूर में है तो नेचर का साथ आपको तो मुलाकात होगा ही होगा। अभी मैं ऑर्गेनिक एक शॉप में आया, देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये सब ऑर्गेनिक सब्जियाँ है, तोरी का साग है ये वाला, नीचे पालंग है, ये वाला सजनाई है, बंगाली में जिसको सजने डाटा कहता है। बहुत खूब लगता है तो इसको लेके जाते हैं, लेकिन अभी तो घूमने के लिए जा रहा है। फिरने का टाइम में कोशिश करेंगे इसको ले जाने के लिए। एनजीपी से निकलने का बाद ये रूट का जो पहला डेस्टिनेशन ऋषिकोला, उसका पास ही मैं पहुंच गया। लगता है थोड़ा टाइम बाद मैं उधर पहुंच जाऊंगा। तो पहुंचने का बाद अब उसका साथ दोबारा मुलाकात करता हूं। इस समय मैं ऋषिकोला में हूँ, जो मानखिम जाने का रास्ता में आता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी ये जगह है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नीचे नदी बह रही है, जिसका आवाज इधर तक आ रहा है। पीछे पहाड़ है, काफी सारा होम स्टे है। अगर आप चाहे तो इधर रुक सकते हैं, लेकिन मेरा मानखिम में बुकिंग है तो मेरे को जाना पड़ेगा। उसी के हिसाब से मैं मानखिम के लिए यात्रा कर रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा टाइम इधर रुकते हैं, उसके बाद मैं मानखिम की तरफ यात्रा कंटिन्यू करूंगा। किम में आप रिवर रैफ्टिंग करना चाहते हैं तो इधर रैफ्टिंग कर सकते हैं। जगह जगह का रैफ्टिंग का बंदोबस्त है, ऐसा एक जगह है ये। गाड़ी भी खड़ा है, तो आप इधर आके इसका आनंद उठा सकते हैं। इस समय मैं आया हूँ सिद्धिविनायक टेम्पल देखने के लिए। बहुत ही शांत और खूबसूरत परिवेश में ये स्थित है। 50 रुपया का टिकट खरीद करके मैं इधर प्रवेश किया है। ऐसा सुना है इधर का जो चीफ मिनिस्टर है श्री प्रबंध चामलिंग जी में 2016 में मंदिर स्थापित किया था। मंदिर के अंदर गया, इधर भगवान गणेश दास हाथ में प्रकट होती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसका आर्किटेक्चर भी उतना ही अच्छा है। अभी तो इधर से मन नहीं कर रहा है जाने का। आधा घंटा मैं बैठूंगा, उसके बाद मैं मेरा होम स्टे के लिए यात्रा कंटिन्यू करूंगा। सिद्धिविनायक टेम्पल देखने का बाद अभी मैं जा रहा हूँ होमस्टे की तरफ। देख ही पा रहा है रास्ता कितना खराई है। आशा करता है कुछ टाइम बाद मैं होमस्टे में पहुँच जाऊँगा। मानखिम में मैं आज खंबीवली होमस्टे में स्टे कर रहा हूँ। तो चलिए चल के होमस्टे का रूम एक बार आपको दिखा देते हैं, आइए।
डबल बेड ऑक्युपेंसी, साथ में मिरर लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन है, बहुत बढ़िया। फूडिंग और लॉजिंग मिला के पर पर्सन 1000 रुपीज पर नाइट। थोड़ा टाइम पहले मैं होमस्टे में आया, आने के बाद देख रहा है कि ये होमस्टे बहुत ही शानदार है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। लेने का बाद सुना है ऊपर में एक व्यू पॉइंट है जो आम बेला व्यू पॉइंट नाम से जाना जाता है, तो मैं उधर जाऊँगा और साथ ही साथ आपको भी ले चलेंगे। ये है उदय जी, ओनर हमारा होमस्टे का। और देखिए, हम उदय जी से अभी जानेंगे कि ट्रेडिशनल स्टाइल में लकड़ी देके चूल्हा में लगा के कैसे तैयार किया जा रहा है। मेरा रात का डिनर आ गया, आज रोटी के साथ ट्रेडिशनल चिकन मैं खाऊंगा, देखते हैं कैसा इसे बनाया है। गुड, ठीक ठाक किया। तो चलो फटाफट इसको खत्म करते हैं और आज के लिए डे एंड करते हैं।